बांडीपुरा से ताल्लुक रखने वाली 14 साला तजम्मुल इस्लाम दूसरी बार वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन बनी। उन्होंने हाल ही में मिस्र में मुनाकिद वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ये खिताब हासिल किया। इतनी कम उम्र में ये उनका दूसरा मौका है कि उन्होंने इस चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया। कोरोना के 2 साल बीत चुके हैं एंड एवरीबडी वाज लाइक कि नहीं शायद अब कुछ नहीं होगा, प्लेटफॉर्म्स कम आते जा रहे हैं। फाइनली अब कोरोना के जो ईयर्स हो गए और अब हमें प्लेटफॉर्म मिला, तो अब हम इन 4 सालों में भी खूब मेहनत करी, एकेडमी मैंने अपनी स्टैंड करी, पापा ने भी मदद करी एकेडमी स्टैंड करने में। सो इन 4 सालों में भी मेहनत रही ताकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो होने वाली है उसमें तो फोड़ कर ही आना है, मेडल लेके आना है। पहली मरतबा जब गए नहीं जाना है एंड नाउ सेकेंड टाइम अब तो सारे गोल्डन गर्ल के नाम से कहते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड उन लोगों के लिए भी जिन्होंने साथ दिया, मेरे पीछे एक का ही नहीं बहुत सारों का हाथ है। वाज़ेह है कि तजम्मुल इस्लाम ने पहली बार 6 साल कब इटली में मुनाकिद इस चैंपियनशिप को जीता था, तब तजम्मुल इस्लाम महज 8 साल की थी। हमारी एक्सपेक्टेशन से भी यहाँ तक थी 50 or 20 कंट्रीज होंगे बिकॉज कोरोना है, बट इट वाज लाइक 112। वी वाज लाइक वो सीरियसली, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी सारी कंट्रीज होंगी, इतनी पार्टिसिपेशन होंगी। और मेरी 4 बाउट्स हुई इजिप्ट के साथ, 2 रही बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन थी इजिप्ट से एंड फिर फ्रांस के साथ 3 थी एंड देन अर्जेंटीना के साथ मेरी फाइनल बाउट थी। सो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मैच रहा, उनमें स्पीड थी, गॉड चेंज पे चेंज कर रहे थे एंड मैंने कमज़ोरी थोड़ी पहले राउंड में मैं जान नहीं पाई एंड दूसरे राउंड में तो फोड़ कर ही आ गए। सो एकदम मैच एक तरफा कर दिया, मेरा स्कोर 10 था और उनका 3 था। पहली बार उन्होंने अमेरिका की एथलीट को फाइनल राउंड में हराकर चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया था। इस मरतबा उन्होंने मिस्र के अलावा फ्रांस और अर्जेंटीना के एथलीट को फाइनल में हराकर दूसरी मरतबा ये चैंपियनशिप जीतने का शर्फ हासिल किया। ईटीवी भारत के लिए बांडीपुरा से एजाज नाज़की की रिपोर्ट।